बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश को कटघरे में खड़ा कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में दलितों, पिछड़ों और गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और विपक्ष के विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने दलितों, पिछड़ों और गरीबों पर अत्याचार के मामले को उठाया। तेजस्वी ने दानापुर में दलितों की पिटाई के मामले को उठाया और ऐसे कई दलित उत्पीड़न मामलों का हवाला दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की विरोधी है, इसलिए समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि कुछ लोग राज्य में शांति के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।